अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस डिस्कवरी जो है ये प्रोड्यूस की, तो वो करना, ये फिश को मालूमात चाहिए। और उसके बारे में अभी जो नए प्लेटफॉर्म जो है, अभी एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, तो एनसीडीएक्स में यदि हम प्रोक्योर करेंगे और एनसीडीएक्स में सौदा लेंगे, वायदा करेंगे, तो निश्चित तौर से हम पहले से भी फार्मर्स को, मेंबर्स को हम कुछ श्योरिटी दे देंगे कि प्राइस की श्योरिटी दे देंगे। तो एनसीडीएक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा है हमारी जगह जो है कॉमन सर्विस सेंटर, या हमारा जो प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है उसको मार्केट, डी मार्केट यदि डिक्लेयर कर दिए, तो वहां से भी सौदे हो सकते हैं, ई नाम पे भी सौदे हो सकते हैं। एपीसी के कॉमन सर्विस सेंटर को ई नाम का दर्जा दे दिया जाए, तो वहां वहीं से सौदे हो जाएंगे, तो एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। लोग जी तो एपीएमसी में कहीं भी जा सकते हैं, एपीएमसी में जा सकते हैं या वही बेच सकते हैं। जी